राहुल गांधी की न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड के 13 जिलों से होकर गुजरेगी। खनन घोटाले मामले में ईडी ने सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव, साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव और सीएम के करीबी विनोद सिंह को समन जारी किया है। तीनों को अलग अलग दिन ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। करोड़ों के खनन घोटाला मामले में ईडी ने बिहार के पूर्व विधायक राजकिशोर यादव को समन जारी किया है। उन्हें 9 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 4 फरवरी को रांची में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन हो रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर बैठक की गई। इसके साथ ही पिछले दिनों रांची में हुई डीलिस्टिंग महारैली को असंवैधानिक बताया गया। रांची के बड़ा तालाब में एक युवक की लाश मिली है। युवक का नाम लारे वारिफ है। वह सुखदेव नगर का रहने वाला था। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चल रहे अवैध कोयला डिपो में छापेमारी की है। इस दौरान कई 100 टन कोयला जब्त किया गया है। कोयला डिपो का संचालन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। पलामू के पगार पंचायत के मुखिया के घर में आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। खुट्टी में तेज रफ्तार कार ट्रक से जा टकराई, जिसमें कार में सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा खुट्टी तोरपा मुख्य मार्ग पर हुआ है। जिस अपराधी को दिल्ली पुलिस के साथ ही कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी, उस साइबर अपराधी को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 6 और साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अफीम की खेती के खिलाफ हजारीबाग के चौपारण इलाके में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। वन विभाग ने थाना के सहयोग से 12 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया है।